में स्नातक उपाधि कार्यक्रम एमए इन आर्ट एमएचडी कोर्स कोड के तहत हम लेके आए हैं एमएचडी 14 हिंदी उपन्यास 1 प्रीवियस ईयर पेपर समय 2 घंटे अधिकतम अंक 50 नोट प्रश्न अंक 1 और प्रश्न अंक 6 अनिवार्य शेष में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला और छठवां अनिवार्य है और आप दो दे सकते हैं, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन करना है। देखिए पहला गद्यांश है, संदर्भ सहित व्याख्या है, क है यह भी तुम्हारी भूल है, इसे शुरू है और ख़त्म है आपका रही हो। ख है क्षुद्र लौकिकता, देखिए यह आपका पद्यांश गद्यांश है, हम कम समय में आपको दिखाना चाहते हैं पेपर कैसा आया था, इसलिए पेपर को अधिक जानकारी के लिए आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ख आपका यहाँ पे है और बहुत ज़्यादा था पे ख़त्म है, बहुत ज़्यादा था पे ख़त्म है। ग है शांत विचार, शांत विचार से शुरू होके टूट जाएगा पे ख़त्म है। घ जालपा से शुरू है और जालपा के बाद ख़त्म होगा आपका शून्य अंधकार पे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 2, हिंदी आलोचना में प्रेमचंद के मूल्यांकन पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 3 है सुमन के चरित्र के मूलभूत विशेषताओं को बताइए। क्वेश्चन 4 है रंगभूमि में सूरदास के चरित्र की विशेषताएँ बताइए। क्वेश्चन 5 है उपन्यास के रूप में प्रेमाश्रम का मूल्यांकन कीजिए। और जो छठवां है वह टिप्पणी लिखना है, यह अनिवार्य क्वेश्चन है। पहला गद्यांश सप्रसंग व्याख्या भी जो था आपका गद्यांश पद्यांश जो भी रहेगा किसी में भी वह आप मान के चलिए कि वह 100% आपको करना है, वह अनिवार्य रहता है। क्वेश्चन 6 टिप्पणी लिखना है, 2 पे टिप्पणी लिखना है, 4 आपके सामने है। क है गबन में चित्रित राष्ट्रीय आंदोलन, ख है रंगभूमि की मुख्य विषय वस्तु, ग प्रेमाश्रम के मुख्य नारी पात्र, घ सेवा सदन की अंतर्वस्तु। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? क्वेश्चन 6 है, करना 4 है, पहला और छठवां अनिवार्य है, बाकी 4 में से 2 करने हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ। धन्यवाद।